यार हम पहाड़ियों की ना एक खास बात होती है, हम हर एक पल को हंसी और खुशी के साथ जीते हैं। क्या पूजा कर रहा है यार माहौल? मतलब भूखे पेट भजन होते हैं कहीं? अब तो पेट पूजा के बाद ही हो रहा है। Hey guys, I hope you guys are doing absolutely fine. काफी टाइम हो गया यार कैमरा पकड़े हुए, मतलब व्लॉगिंग करते हुए। तो मतलब अभी कुछ दिन पहले मैंने 2-3 वीडियोस डाली थी, पर वो वीडियोस जो थी वो ऐसे इंडोर शूट था, उसमें मैंने कुछ बजट के ट्रैवल के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हुए हैं, कैसे सस्ती फ्लाइट लेनी है और कैसे सस्ते सस्ते में बजट में ट्रैवल करना है। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप देखना चाहते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो यू नो लड़के हैं, लौंडे हैं, जो वो हैंगआउट कैसे करते हैं, वीकेंड में हैंगआउट कैसे करते हैं। बस तो फिर अभी निकलते हैं यहाँ से, थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लेते हैं और फिर सीधे उस जगह पे चलते हैं। मम्मी क्या बनाया अभी? मैंगो शेक बनाया। चलो भैया मैंगो शेक बनाया, एकदम मौज हो रही है सुबह सुबह है पापा। सो गाइस अभी फटाफट में मैंगो शेक पी लेता हूँ, उसके बाद हम सीधे निकल जाएंगे यहाँ से। अब एक और बंदे को पिक करना है, एक हमारे भाई साहब हैं, मतलब हमारे दादी बोलते हैं पहाड़ी में बड़े भाई को। मम्मी शेक तो जबरदस्त बनाया, मजा आ गया, एक नंबर बनाया, एक नंबर। सो गाइस गाड़ी निकाल दी है मैंने, अपने भाई का वेट कर रहा हूँ। फिलहाल मैंने शर्ट चेंज कर लिया, बिकॉज भाई बोल रहा था कि वाली पहन ले, अली ज़्यादा अच्छी सूट करेगी इस पैंट के, हाफ पैंट के साथ। गाड़ी बड़ी गंदी हो गई यार सच में, ये सब लॉकडाउन का असर है। लॉकडाउन के चक्कर में ना कहीं जा नहीं पा रहे सर्विस वर्विस कराने के लिए, साफ सूफ कराने के लिए। चलो कोई नहीं, एक बार लॉकडाउन खुल जाएगा तो फिर करा लेंगे सर्विस में भी, ऐसी ही क्या बात है। कहाँ लगा दी तुमने इतनी देर में? बाल बना, बाल नहीं हो गए बस, चले फिर। वैसे हम आज जा कहाँ को रहे, कुछ बताओगे आप? ये तो सरप्राइज है, आगे पता लगेगा। मटन शॉप। अरे आगे। सो गाइस जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हमारे दादी आने वाले हैं और वो ज्वाइन करेंगे हमें। हमारे दादी ये रहे अनुराग दा। तो अनुराग दा आज बताओ थोड़ा क्या प्लान है। एक्चुअली मैं आपको पहले थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ। ये वीडियो मैंने लोगों को बताया कि यार कि हम लोग पहाड़ में, जो पहाड़ के लौंडे होते हैं, कैसे हैंग आउट करते हैं वीकेंड्स में, उसके ऊपर एक लाइफ स्टाइल में ना पहाड़ी लाइफ स्टाइल देखिए, उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है। तो आप जरा पथ प्रदर्शित कीजिए, अभी हम कहाँ जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। गाइज सबसे पहले तो कैसे हैं आप लोग सब? होप अच्छे होंगे, सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लीजिएगा और अच्छे से रहिए। तो जैसा हिमांशु ने भी बताया आप लोगों को, होता ये है कि जो हल्द्वानी का क्राउड है एक्चुअली, ये बिल्कुल भी जैसे पॉश लाइफ होती है या रेस्टोरेंट्स होते हैं या पिज़्ज़ा बर्गर वाले टाइप के शौक इनके नहीं होते हल्द्वानी का, जो मेन लड़कों का क्राउड का जो भी शौक होता है। तो यहाँ पर जो चलन है, जो ट्रेंड है, वो ये है कि हम कुछ भी अपना, जैसे मान लीजिए अगर आप कोई पनीर पसंद करते हैं या नॉनवेज पसंद करते हैं, तो हम लोग अपना एक पोर्शन 1 किलो 1.5 किलो डिपेंडिंग ऑन द आपकी जो भी डाइट है, जो भी आपके शौक हैं। कौन से चावल ले रहे हो भैया? भैया के स्पेशल हैं, हम लोग मटन के लिए जब जाते हैं तो वीर जी से ही लेते हैं। यहाँ से जब भी आप काठगोदाम से निकले हो, निकले तो आगे की तरफ बढ़ें कि ऊपर अवेलेबिलिटी कम होती है रिसोर्सेज की, तो राइस ले लें, बासमती 11-21 एक अच्छा चावल होता है, और बाकी कोल्ड ड्रिंक जो भी आपको शौक है। चावल कम तो नहीं पड़ेगा? नहीं, सफिशिएंट है। अच्छा खुलता होगा ना? हाँ, मतलब इन शॉर्ट यह है कि भैया ऐसा है कि यहाँ के लौंडे जो है ना, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब यहाँ कोई पब्स वगैरह क्लब्स वगैरह तो है नहीं भाई साहब, तो यहाँ के लौंडे हमारे शांत स्वभाव के, जमीन से जुड़े पहाड़े आदमी भैया उठाते हैं अपना मटन वटन, चिकन विकन, जो जिसको पनीर वनीर जैसा खाना है, और निकल पड़ते हैं ऊपर पहाड़ों की ओर। पहाड़ों में जहाँ बढ़िया शॉप होती है लोकल, अपने दादी लोग होते हैं। अभी हम किसी की शॉप में जाने वाले हैं? जीना जी है, जीना जी है, बीना जी, ऐसे बहुत सारी शॉप्स होती है जहाँ पे वो लोग कस्टमाइज, जैसे भैया ने बताया, वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, और वहाँ पे बड़ी एकदम उनका ना टेस्ट भी अलग होता है, और वहीं जाके खाते हैं लपड़ चपड़ करके, अपना जबरदस्त माहौल बनता है अपना। कई लोग तो ऐसा करते हैं खुद भी बना देते हैं। और पहाड़ी मटन का ये रहता है ग्रेवी ना बोल के, यहाँ पहाड़ों में एक टर्म है लटपटा मटन। हाँ पहाड़ी स्टाइल में लटपटा वाला मटन। ये बात जब आप कभी भी उत्तराखंड आओगे ना, किसी भी होटल में रहोगे, जो लोकल टाइप का होटल होता है, वहाँ पे जरूर बताना या होम स्टे में, कि लटपटा पहाड़ी स्टाइल वाला मटन बना दो, तो आप मतलब हाथ चाट उंगलियाँ चाटते रह जाओगे भैया। और ये पीछे भाई हमारा छोटा बैठा हुआ है मटन का शौकीन है अभी, आर यू एक्साइटेड? क्या या तो भाई का भी चैनल है, वो भी चल रही है, ब्लॉगिंग चालू करी है इसने, अभी डांस करता है बहुत बढ़िया, देख लेना इसका वीडियो भी, एक बार मैं लिंक डाल दूंगा। टैलेंटेड है भाई अपना छोटा। अरे छोटा भाई फुल सपोर्ट दो यार इसको, सपोर्ट चाहिए, फुल सपोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल, चलें फिर दादी धीरे धीरे चलते हैं ना पहाड़ में। गाइस बिल्कुल मोबाइल बाहर मत कर लेना यार दादी, खट खट के बाहर सीधा पर बिल्कुल हल्का हल्का। यार बोर हो रहा हूं यार मैं बहुत यार, कुछ करवाओ। क्यों बोर हो रहा है, क्या करें? खेल ले बता ज्यादा।
गाना सुनाओ यार, आपके गाने में तो पता फिर क्या। अरे वो सिल्कू टू दादा सुनाओ ना, जो आपने वहाँ भी गाया था। मोहित चौहान का गाना है, सुनिएगा भाई। अरे वाह। लाल ला ला ले आ लाल लार ला, लाल ला ला ले आ लाल लार ला, लाल ला ला ले आ लाल लार ला, लाल ला ला ले आ लाल लार ला। डूबा डूबा रहता हूँ आँखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी। डूबा डूबा रहता हूँ आँखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी। अब दिन गुजरते नहीं, रातें कटती नहीं, तेरी तस्वीर से बात। यार हम पहाड़ियों की ना एक खास बात होती है, हम हर एक पल को हंसी और खुशी के साथ जीते हैं। कोई जाने ना पहचाने ना ये हुआ कैसे, तुम आ गए ख्वाबों में थे। बेवफा ना जा, बेवफा ना जा। ला 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 ले आ एवरीबॉडी, ला 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 ले आ ला 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 ला, ला 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 ले आ ला 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 ला। दादी एक वाला भी गाना यार, एक और था वो। अबे भूखे पेट भजन होते हैं कहीं। अब तो पेट पूजा के बाद ही हो। सो गाइस फिलहाल हम पहुंच गए हैं जीना जी के ढाबे में, यहाँ पे बनेगा बड़ी वाला मटन। तो हमने गाड़ी लगा दी है यहाँ पे। सो बेसिकली ये बिल्कुल एकदम रोड के बगल में, जैसे कि हम देखेंगे ये मेन रोड है, मेन रोड के जस्ट बगल में हमने गाड़ी वाड़ी लगा दी है। यहाँ से बरसात में बड़ा सही नाला भी आता है, यहाँ से बहुत बढ़िया नदी देख रहे हो ना, झरना एकदम उत्तराखंड की शान नदी झरने। तो ये वाली शॉप है हरियाली जीना जी करके, बिल्कुल रोड के बगल में ही है। जब भी आप आते हो मतलब आ सकते हो यहाँ। नमस्कार, ये हमारे जीना जी है, हम जब भी मटन वगैरह का प्रोग्राम रहता है यहीं आते हैं। आप भी कभी हल्द्वानी आ रहे हैं तो बढ़िया है, आप भी आए और खुश रहे। तो यहाँ पर दुकान के नीचे थोड़ा बैठने की व्यवस्था उन्होंने करी हुई है, चलिए देख के आते हैं कैसी व्यवस्था। ये देखो बढ़िया एकदम माहौल सेट है भैया, एकदम पूरा अलग ही माहौल आ रहा है। अरे भाई साहब जहर, मतलब इससे नीचे है वाले यार, नीचे नदी के पास है क्या ये माहौल ये बनाया ना। ये देखिए आगे हम अपने कोपचे में, ये जैसे आप देखोगे हमारे राइट साइड में ये कोपचा है, यहाँ पे मतलब माहौल सेट रहता है हमेशा। तो अगर आप हल्द्वानी से बिलोंग करते हो, अगर आप लोंडे हमारी तरह हो और ऐसे हैंग आउट करने आते रहते हो ऐसी जगहों पे, तो आपको ये जरूर पता होगा जीना जी का कोपचा कुछ कहते ना पहाड़ी में, क्या क्या वर्ड होता है क्या कुछ ऐसा कर रखा है यार माहौल। आप जैसा देख रहे होंगे दोनों लगे पड़े हैं। अरे यार खाली बैठे हो कुछ सुनाई देते यार हमारी पब्लिक को, ऑडियंस को कुछ कर देते। आओ जरा इधर से आओ ना। तो वाला गाना तो सभी ने सुना होगा, वो आपने आपको तो सुना वाला, अभी आजकल नया नहीं चल रहा पहाड़ों में खो गया वाला। हाँ तू सुन कर। हाँ मैंने तो सुना यार। सुने तो एक लाइन करूँगा फिर ज्वाइन कर लूँगा। वैसे भी बहुत अच्छा तू गाता है, एंजॉय करना सॉन्ग। कोई तो जाओ उसको बुलाओ, ना माने तो वो उसको डांट भी लगाओ। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया, मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। अरे कोई तो जाओ उसको बुलाओ, ना माने तो वो उसको डांट भी लगाओ। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। धन्यवाद। सो गाइस ये लग गई है सिटी और अपना मटन हो रहा है तैयार। तो मुझे आने में थोड़ी सी लेट हो गई बस, अब इन्होंने मटन चढ़ा दिया, नहीं तो मैं आपको थोड़ा डिटेलिंग दिखाता रेसिपी की और मटन वगैरह कैसे इन्होंने बनाया है। बट ये जैसे कि आप मेरे पीछे देखेंगे ये यहाँ पे किचन जीना जी का बढ़िया करके यहीं पे बनाया जाता है, और यहीं पे अगर आप चाहो तो यहीं पे भी सर्व हो जाता है, और नीचे बहुत सारे ऑप्शंस और भी हैं बैठने के। तो आप आते हो उधर साइड कभी भी तो एक बार पक्का आना यहाँ पे टेस्ट करने के लिए, अमेजिंग टेस्ट जो होता है ना एक नंबर होता है एकदम। सो गाइस ये आ गया हमारा सलाद वगैरह और ये चटनी किस चीज़ की दिया दादी है? लहसुन की चटनी, थोड़ा सा नमक ज़्यादा है। और ये देखो चावल जो सरदार जी वाले चावल थे 11:35, अब 11:21, अब 11:35 हो गए हैं। और ये मटन हमारा वेट कर रहा है कि कब ये यहाँ से निकले बाहर और हमारे पेट में। आप देखिए यहाँ पर एक एक दाना खिला हुआ है एकदम सही गाय। तो
और मटन कह रहा है कि कब हमारे पेट में घुस गए ना, अंदर से आग निकल रही है, कब सीटी आए कब निकले। और बस यहाँ पर महफिल जम रही है, भाई लोग थोड़े थोड़े बात कर रहे हैं, हल्का हल्का कोको कोला का पैक चल रहा है। इसके बाद फिर आपको हम नीचे लेके जाने वाले हैं, नीचे एक नदी जैसी है, देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है। व्यू दिखाएंगे अभी सब कुछ, अभी थोड़ा दिखा देना हुआ, फिर देखेंगे नहीं ये लोग लास्ट तक। लास्ट तक देखोगे तो ये पता लगेगा भाई, दादी ऐसे नहीं करना ना, फिर पूरी देखनी तेरी वीडियो ये। तो यही है यार यहाँ की लाइफस्टाइल हमारे पहाड़ की, हम ऐसी नेचर के पास जुड़े रहते हैं और अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने फैमिली के साथ या अपने भाइयों के साथ घूम के मजे करते रहते हैं। तो अभी फिलहाल ये जो जीना जी का रेस्टोरेंट मैं बता रहा था, उसके नीचे एक नदी भी दिख रही है बड़ी शानदार, वो नीचे अगर आप देखोगे ना बड़ा अच्छा पॉइंट है, अगर हम जा सकते हैं वहाँ पे तो जाके अमेजिंग, मतलब हवा भी चल रही ठंडी ठंडी और एकदम फील, बैठने के लिए बहुत पीसफुल एरिया मुझे लग रहा है। तो गाइस हमारा खाना पीना हो गया यहाँ पर से, और बाकी अभी हम सीधे निकलते हैं ऐसे घर को, क्योंकि लॉकडाउन का समय बीता जा रहा है, एक लॉकडाउन की लिमिट है, उससे ऊपर हम नहीं जा सकते हैं, हमें उससे पहले पहले घर पहुंचना पड़ता है, इसलिए हम सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे घर से, और अभी समय हो रहा है घर पहुंचने का, तो हम निकल रहे हैं यहाँ से। और बाकी कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, सॉरी आप लोग को नीचे नहीं ले जा पाए, बिकॉज द प्रॉब्लम इज कि वो बोल रहे हैं राणा जी कि भैया लॉकडाउन खत्म होने से पहले पहले हम बंद कर देते दुकान, तो हमें फटाफट रैपअप करना पड़ रहा है। और कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ऐसी वीडियो और भी देखनी है आपने लाइफस्टाइल से रिलेटेड, पहाड़ी लाइफस्टाइल से रिलेटेड, और अनुराग भाई के गाने और सुनने हैं हमारे दादी के, और वीडियो में इनको अगर देखना है तो कमेंट करके जरूर दमादम दे देना, जितने कमेंट होंगे एक और वीडियो पर तुरंत मिल जाएगी। कैसा? बिल्कुल भाई गाइस, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है भाई? डन, ओके फिर भाई, आओ फिर आओ, हिटो हिटो मली हूँ, हिटो माठू मठ चलो।